भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। इतना शिद्दत का ये धमाका था, पूरी बिल्डिंग हिला दिया। बाटला ब्लास्ट तो है नहीं है, सब हमारे घरों की खिड़की दरवाजे तक टूट गए। एक डेढ़ किलोमीटर यहाँ, एक डेढ़ किलोमीटर यहाँ तक आवाज है। जो ब्लास्ट हुआ वो तो समझ में नहीं आ रहा क्या बात ब्लास्ट है ये। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के चांद नगर में धमाका होने की वजह से मुमरा शहर में डर का माहौल बना हुआ है और इस धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि इसकी आवाज़ करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनी गई है। सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि मुमरा के चांद नगर इलाके में मुगल पार्क बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर भंगार की दुकान में ये भयानक धमाका हुआ है। धमाका होने की वजह से 6 से 8 दुकानें और कार क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मुगल पार्क इमारत जिसमें धमाका हुआ है, ये इमारत में दरार भी पड़ गया है और इमारत को खाली भी करा दिया गया है। धमाके से आसपास की इमारतों की खिड़कियों के कांच भी टूट गए हैं। मुमरा के चांद नगर में मुगल पार्क बिल्डिंग में ये धमाका सुबह करीब 5 बजे अचानक ये धमाका हुआ है और सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि धमाका कितना ज़बरदस्त था। स्थानीय लोगों ने बताया है कि मुगल पार्क बिल्डिंग में अचानक करीब 5 बजे के आसपास जो ये धमाका हुआ है, इस ब्लास्ट में करीब 7 से 8 दुकानें पूरी तरीके से डैमेज हो गई हैं। इसके अलावा लोगों ने ये बताया कि ब्लास्ट सुबह के करीब हुआ है तो इसमें कोई भी वर्कर नहीं था, लेकिन अगर ब्लास्ट होता है तो ज़रूर आग लगती है, लेकिन इसमें किसी भी तरीके से आग नहीं लगी है। अंदर केमिकल का कुछ काम वर्कर करते थे तो हो सकता है कि केमिकल की वजह से आग ना लगी हो। अग्निशामन दल द्वारा 5 बाटलों को भी बाहर निकाला गया है जो गैस सिलेंडर थे। महानगर पालिका की तरफ से घटनास्थल पर पिकअप वाहन, 1 फायर ब्रिगेड, 2 एम्बुलेंस, मुमरा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी और टोरेंट पावर के कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुँच गए थे और आसपास के इलाकों की लाइट को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। और ब्लास्ट क्या केमिकल की वजह से हुआ या फिर सिलेंडर के वजह से हुआ, इसका अभी पता लगाया जा रहा है। क्या नाम है आपका और क्या है वारदात यहाँ पर हुआ है? मेरा नाम परवेज है, मेरा बाजू में ही जिम है और ये जो हुआ है कि रात सुबह 6 बजे के टाइम पे ये ब्लास्ट हुआ है और समझ में नहीं आ रहा ये क्या ब्लास्ट हुआ है। बाटले भी अंदर से अखे निकले, बाटला ब्लास्ट तो है नहीं है। अब ये पुलिस का विषय है, पुलिस आएगी, एनएसजी वगैरह आएंगे, तहकीकात होगा तो मालूम पड़ेगी कि क्या हुआ एक्चुअली, क्या है, केमिकल था, क्या था अंदर ब्लास्ट हुआ है वो पता चले। क्या बोले जोर से मतलब भाई, यहाँ से अमृत नगर तक यानी 1.5 किलोमीटर आगे, यहाँ से अमृत नगर तक 1.5 किलोमीटर तक और वहाँ से कौसा मार्केट तक वहाँ तक आवाज आई है, यानी 1.5 किलोमीटर यहाँ, 1.5 किलोमीटर यहाँ तक आवाज आई। मेरा नाम जमील अहमद है और ये फरीदाबाद 2 माले पे रहता हूँ। सुबह 6 बजे के टाइम में इतना ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ और सब हमारे घरों की खिड़की दरवाजे तक टूट गए, लकड़ी के दरवाजे उखड़ के गिर गए। मेन डोर जो कि हॉल का है, फ्रंट से भी बैक साइड में इतना शिद्दत का ये धमाका था कि पूरी बिल्डिंग हिला दिया इसने। आपके घर का क्या क्या नुकसान हुआ है? मेरे घर की तो टोटल कांचें टूट चुकी है, मेन डोर दरवाजा टूट गया है, ग्रिल गिर गई। जो ब्लास्ट हुआ वो तो समझ में नहीं आ रहा क्या ब्लास्ट है ये। जो ये घटना हुई है वहाँ से आपका घर कहाँ पर है? उस घटना के एकदम सामने की बिल्डिंग में 2 माले पे फरीदाबाद। हमें
अच्छा बहुत जोर की आवाज आई, बहुत धमाका हुआ, लाइट चले गई थी, इधर आग वाग कुछ नहीं, आग नहीं आवाज के वजह से लोग उड़ गए, बाहर भागे थे, सब देखे थे, धुआं हुआ था यहाँ पे। ओके मतलब प्रेशर इतना ज्यादा था कि बिल्डिंग के आस पास सब उड़ गए, गाड़ी के सब, केमिस्ट सब पूरा सब हो गए।